सो गाइस देखिए पहले फोटो कैसी थी और बाद में कैसी हो गई गाइस। ये इसको ही तो बोलते हैं एडिटिंग का मैजिक। बिफोर एंड आफ्टर लुक में कितना ऑसम डिफरेंस कितना है वही आप देखिए। तो आपको ऐसे सीखने तो मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, और वीडियो गाइस पूरा एंड तक देखिए प्लीज़। और चलिए गाइज ये पिक हमने लाइटरूम ऐप ने ले लिया था। अभी हमें ऐसे कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ हमें एक क्लिक में देखना है आप कैसे चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक प्रीसेट दूंगा जो मैंने बनाया है खुद से, वो प्रीसेट से आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। और वो भी हर फोटो में अलग अलग लुक आएगा, कभी ट्रीज पे कुछ अलग और पीछे बैकग्राउंड पे कुछ अलग। तो मैंने सिर्फ वो एक क्लिक किया, उसका कॉपी सेटिंग्स किया और देखिए आप देखने ये पिक कैसा आ जाएगा। इसके सेटिंग्स हमें पूरे कॉपी कर लिए, टिक कर लिया, फिर से वो फोटो में जाएंगे हम लोग और देखिए मैजिक। अब आप पेस्ट कर दिए सेटिंग्स, देखिए पूरा लुक चेंज हो गया, इतना ज़बरदस्त मस्टर्ड लुक आ गया एकदम उसमें। तो आपका आधे पूरा काम तो लगभग यही हो गया, बाकी आपको जो दूसरा काम करना था वो आपको पिक्सआर्ट और आपके स्नैपशीट में करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आपको इफेक्ट डालना है आपके बॉडी इमेज के हिसाब से, जैसे हमारा थोड़ा सा ल्यूमिनेंस मतलब बढ़ाना था जिससे आपके फेस में ब्राइटनेस आ जाएगी, वो हम कर रहे हैं यहाँ। ऐसा नहीं आपके प्रीसेट से आपकी फ़ोटो में पूरा इफेक्ट आएगा, हर किस किस में अलग आता है। तो आप अपने हिसाब से भी थोड़े से प्रीसेट लगाने के बाद भी हल्का सा कम ज़्यादा इफेक्ट जो है लाइटरूम से आपको खुद से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लग रहा है कि एक क्लिक से आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको और कुछ भी थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से भी करना पड़ेगा कि हर किस का फेस कलर बॉडी कलर अलग अलग होता है तो वो इफेक्ट अलग आते हैं, तो आप थोड़ा सा खुद से भी करिएगा। ओके गाइस इफेक्ट डालेंगे, देखिएगा बिफोर आफ्टर लुक दिखता है ना वो आपको दिखेगा कितना ऑसम लगता है। तो मैं जो जो कर रहा हूँ आप भी वही करिएगा, या आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा अलग होगा तो थोड़ा सा देख के सीखिए और उसमें आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ मैं, जैसे हम पे ज़्यादा फोकस हो बैकग्राउंड और मेरे पे, और नीचे थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं हम लोग। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऑसम एडिट्स और आएगी आप वहाँ पे आपको डिनर अपडेट मिल जाएगा एक पार्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपर, क्योंकि बाकी को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रीसेट ने अपना काम खुद ही कर दिया है। अगर आपका प्रीसेट से नहीं होता है तो आपको मैन्युअली भी करके बता, मैन्युअली भी बहुत ईजी है वो, आप प्रीसेट लगा दीजिएगा फिर आपको पता चलेगा मैन्युअली उसने क्या क्या किया, और उसमें आप चेंजेस ला के देखिएगा तो आपके फ़ोटो में अपने इफेक्ट आ जाएंगे अच्छे से। देखिए बिफोर आफ्टर कितना अच्छा लग रहा है, पहले कितना लाइट, बाद में सैचुरेशन पॉइंट में आ गया बढ़िया और अच्छा भी लग रहा था। अभी हम इसे पिक्सआर्ट में ले जाएंगे, पिक्सआर्ट में मेरा लोगो लगाऊंगा और थोड़ा सा नीचे से विग्नेट लुक वाला, ये थोड़ा सा जो रेडमी लिख कर आता है वो भी हटाना पड़ेगा हमें क्लोन से। क्लोन से कैसे, आपका वही पेंट जो साइड में होता है सेम पेंट हो जाता है। देखिए अगर आपको कोई चीज़ को हटाना है बैकग्राउंड में से तो आप यहाँ से ऐसे वही क्लोन का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मैं भी हटा रहा हूँ वो पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। ये विग्नेट पीएनजी है जो, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेंशन की कोई बात नहीं आपको सब मिल जाएगा, वो भी मैं यूज़ करूँगा। मैं जो भी PNG वगैरह यूज़ करूँगा और जो प्रीसेट यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी अगर आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा गाइस, और ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। इसे देखिए जो विग्नेट का PNG लगाया उसमें मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से इफेक्ट डालना है डार्क लुक, क्योंकि नीचे से बहुत ऑसम लगेगा, नीचे से थोड़ा डार्क ऊपर से एकदम मस्त ब्राइट, ऑथेंटिसिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं आप, या मैं देखिए जो रख रहा हूँ वो रखिएगा, क्योंकि हर फोटो में लाइट्स अलग होती है तो उसके हिसाब से। और यहाँ से धीरे धीरे हम अपनी जो बॉडी इमेज है उस पर इफेक्ट डालेंगे, जैसे उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज कर देंगे, और आप ब्राइटनेस इंक्रीज करके जो अपनी जो देखो हेयर कट है ना वहाँ पे भी आप देखने इफेक्ट बहुत अच्छा डाल सकते हैं, उससे थोड़ी और ऐसे लगेंगे ऑसम लगेगी आपकी जो हेयर कट है। देखिए मैं करूँगा उसमें आगे आपको देखने मिल जाएगा कैसे करना है। और
और आपको साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा, तो वहाँ पे देखिए आप बहुत सारी एडिट्स देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके फॉलो कर दीजिए गाइस, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ऑसम बन चुकी है, फोटो में देखिए ना चेंज पहले से कितना आ गया है। देखिए मैं कर रहा हूँ हेयर स्पेशल, बहुत ऑसम लगेगी वो पिक आपकी। आप जब पिक डालेंगे ना देखिए धमाल मचा देगी ये पिक, क्योंकि उसका लुक ही इतना मस्त है। तो ऐसा कुछ फ़ोटो खिंचा लीजिए कि आप बस वगैरह तो हर किसके यहाँ होती है। मैंने वैसे ही स्कूल बस खड़ी थी वहाँ खिंचवाया, और उसके ऊपर वो भी ये मोबाइल फ़ोटोग्राफी है गाइज हमारी। जितने भी मैंने आज तक फ़ोटो बनाए हैं मोबाइल से खींचते हैं हम लोग, बस मोबाइल से सिंपली फ़ोटोज़ खींचते हैं और उसे बना के डालता हूँ मैं। तो देखिए आप, आपके पास कैमरा नहीं भी है तो सिंपल बजट मोबाइल में भी आपका काम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि इनके पास प्रोफेशनल्स कैमरा होते हैं, ये वो कुछ भी नहीं गाइस, सिर्फ एक सिंपल मोबाइल की ज़रूरत है और एक कैमरामैन जिसे अच्छा कुछ आता हो, मतलब वही फ्रेंड के साथ ही जाते हैं। तो आप ले जाइए उसे, बताइए अच्छे अच्छे पोज दे दीजिए और बढ़िया। चलिए बाय गाइस।